ये क्या क्या है? ये पापड़ है और रोटी। ओके ओके। हाँ। और ये अपना सलाद है। हाँ। ग्रीन सलाद। ओके। ये शेंगदाने की सब्जी चटनी है। ओके। ये आम का कच्चा आम का। हाँ। ये आम का अचार। ये नमक। और ये जवस की चटनी। ये अपना हरी मिर्ची का ठेसा। हाँ। जब भी आपको और खाना सर्व किया जाएगा तो ये गाजर की रखा जाता है आपकी टेबल पे। ये थाली देख सकते हैं दोस्तों, कितनी सिंपल है और शुद्ध शाकाहारी थाली है। और सबसे पहले हम इस थाली में क्या क्या चीज़ है वो हम आपको बताते हैं। ये क्या है भैया? ये सब्जी है राजमे की। अच्छा, राजमे की सब्जी है। हाँ। ये और ये मिक्स वेज है। हाँ, ये आम का पना। ये आम का पना आम का पना है। हाँ। और ये दाल है। मट्ठा है और लड्डू है। और अपना दही की चटनी। ये मैदे की चटनी है। इसमें। हाँ। शायद मिक्स की गई है। हाँ। क्या कोशिमबीर बोलती उसको। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ मिक्स है? इसमें चना दाल, गाजर, काकड़ी और टमाटर। अच्छा। हाँ। इसमें मतलब दो तीन चीज़ इसमें भी मिक्स है। हाँ। और आप ये देख सकते हैं ये इधर। हाँ। दोस्तों, चाहे आप तीन लोग खाना खा रहे हो, चाहे आप चार लोग या फिर अकेले खा रहे हो बैठ के खाना, तो तब भी आपको ये सारी चीज़ मिलेगी। और खाना अनलिमिटेड है, जैसे आप घर में खाना खाते हैं दोस्तों वैसा ही खाना यहाँ पे आप खाएंगे। अगर आप बाद में चावल भी ले सकते हैं तो चावल भी मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, एक बार अगर आप यहाँ आते हैं तो एक बार विजिट कीजिएगा इनका। ये बिल्कुल जो है खाने का ये भोजनालय है, एक तो मंदिर जैसा है, एकदम देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसा होटल, ऐसा रेस्टोरेंट, ऐसा ढाबा देखा है जहाँ पर आपको खाना खिलाए जैसे आपकी मम्मी आपको खाना खिलाती है, जैसे आपको आपके पापा खाना खिलाते हैं, पुचकार के बोलते हैं कि बेटा और खा ले बेटा, भूख लग रही होगी आपको, खा ले बेटा। तो दोस्तों, आज ये होटल कोई, ये रेस्टोरेंट कोई विदेश में नहीं है दोस्तों, ये भारत में है और ये वरुड़ में है दोस्तों। और वरुड़ जो है दोस्तों अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है और अमरावती यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों, कभी आप वरुड़ में आते हैं तो दोस्तों श्री चक्रधर, जहाँ जो ये रेस्टोरेंट का नाम है दोस्तों वो है वरुड़ में श्री चक्रधर के नाम से रेस्टोरेंट है। वहाँ पर दोस्तों आपको फीलिंग आएगी जैसे आप घर में खाना खा रहे हैं, बिल्कुल सिद्ध शुद्ध शाकाहारी खाना होता है दोस्तों। आइए, वो खाना हम आपको दिखाते हैं और उस रेस्टोरेंट में जाके आपको चल के दिखाते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है बिल्कुल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी मैं हूँ अमरावती डिस्ट्रिक्ट से लगभग आपका 100 किलोमीटर की दूरी पर। और ये आपका जो है सिटी, ये है वरुड़। और वरुड़ में दोस्तों मैं आपको जिस रेस्टोरेंट, जिस ढाबे की आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो है आपका श्री चक्रधर। और आइए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर खाने में क्या मिलता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं श्री चक्रधर भोजनालय के अंदर और चल के आपको दिखाते हैं खाने में, थाली में क्या परोसा जाता है और क्या थाली होती है दोस्तों, क्या प्राइस है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कोई रेस्टोरेंट या फिर ढाबा या फिर होटल नहीं दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी फैमिली जहाँ पे आपको मतलब जैसे फैमिली में मम्मी आपको बोलती है खाना और खा ले बेटा, और खा ले, थोड़ा सा और खा ले, अभी भूख लग रही है तुझे बहुत, अभी और खा ले। तो ऐसा ही ये होटल है, बिल्कुल ऐसा ही ये रेस्टोरेंट है। और ये रेस्टोरेंट मैं दिल्ली से चला हूँ दोस्तों, आज तक मैंने कहीं पे भी ऐसा रेस्टोरेंट, ऐसा खाना नहीं देखा है कि कहीं पे होटल में आपको खाना दे और बोले कि बेटा और खा ले। क्योंकि खाना देने से पहले पैसे गिनते हैं और बोलते हैं कि भाई ये इतने रुपए की थाली है, इतने रुपए की थाली है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो थाली का प्राइस है ओनली 140 रुपए है। और क्या डिशेस है, क्या उसमें मिलेगा आपको, ये सब चीज़ आपको मैं दिखाऊँगा, थाली में भी दिखाऊँगा। और यहाँ पर एक बार मैं पूछता हूँ भाई से, क्या क्या है ये एक 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 थाली में क्या क्या चीज़ मिलती है सर? सब्जी है, चावल है, रोटी है, जिसमें स्वीट आता है, दही, पापड़। तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। तो मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, आइए अब खाना खाते हैं भाइयों। बहुत धन्यवाद दोस्तों।